हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सही होंगे। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से जॉब्स एंड नॉलेज विद अरुण में। और देखिए, एनटीपीसी का रिक्रूटमेंट निकला है। एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, आप लोग तो जानते ही ना, ये भारत सरकार का महारत्न है। भारत सरकार का महारत्न है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। और इन्होंने अब की बार जो ये रिक्रूटमेंट निकाला है उसमें स्कोर गेट का स्कोर कार्ड नहीं मांग रहे हैं। ये आप विदाउट गेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं और सैलरी 1 लाख पर मंथ दे रहे हैं। ये सैलरी जो है इनकी 1 लाख पर मंथ है, ठीक है। तो इसमें आप देख लीजिए, ये नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है इसका एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए। और फ्रेश नोटिफिकेशन है, ये फ्रेश नोटिफिकेशन है, इसमें आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा। पूरा नोटिफिकेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, फुल नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। और लास्ट डेट इसकी है 13 मई 2022। 13 मई से पहले आपको ऑनलाइन करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है इस पे 13 मई। अब देख लीजिए, इसमें टोटल पोस्ट 15 निकाली है इन्होंने, टोटल पोस्ट 15 इंजीनियर के लिए, और एग्जीक्यूटिव सोलर पीवी के लिए 5, और एग्जीक्यूटिव डाटा एनालिस्ट के लिए 1 है, एग्जीक्यूटिव एलए आरएनआर के लिए 9 पोस्ट हैं। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए इनका क्या है। देखिए, आप बीटेक किसी भी डिसिप्लिन में है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए। और डाटा एनालिस्ट, जो इनको एग्जीक्यूटिव डाटा एनालिस्ट चाहिए, तो उसमें बीटेक हो आप या तो एमटेक हो, और सीएसआईटी और ईसीई, इन तीन में अगर आपने बीटेक किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एमसीए हैं तो अप्लाई कर दीजिएगा, या आपके पास डिप्लोमा इन डाटा साइंस का अगर सर्टिफिकेट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये डाटा एनालिस्ट के लिए है। अब देख लीजिए, एज लिमिट भी इन्होंने बहुत बेहतरीन दी है। अगर आप 40 साल की एज है आपकी, 40 साल से कम एज है जनरल के लिए, तो आप इसमें एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और डाटा एनालिस्ट के लिए इन्होंने 35 साल रखी है जनरल के लिए, ठीक है। और एससी एसटी ओबीसी फीमेल, इनके लिए इन्होंने छूट दी है, रिलैक्सेशन, वो आप नोटिफिकेशन में जाके पूरा देख लीजिएगा। अब कैसे अप्लाई करना है तो इसमें देख लीजिए, ये इनकी career.ntpc करके इनकी वेबसाइट है, इस पर जाके कैरियर ऑप्शन में जाके आपको अप्लाई करना है। अगर ऑनलाइन अप्लाई में आपको कोई इशू आता है, मैंने पहले वाले वीडियो में बताया है, तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, मैं आपको बहुत ही सरल माध्यम बताऊंगा किस तरह अप्लाई करना है, क्योंकि दिक्कत आती है, मैं जानता हूँ दिक्कत आती है जब बंदे करते हैं, इसलिए आप लोग मुझे इनबॉक्स कर दीजिए, मैं आपको सरल तरीका बताऊंगा किस तरह ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है। और देख लीजिए, एप्लीकेशन फीस भी इन्होंने ज़्यादा नहीं मांगी है, 300 रुपये एप्लीकेशन फीस है, जो ऑनलाइन मोड के द्वारा दी जाएगी, ठीक है। ये जनरल और ओबीसी के लिए 300 रुपये है, वहीं एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और फीमेल को कोई फीस नहीं देनी है, उनके लिए फ्री ऑफ कास्ट है। तो जो लोग मेरे चैनल में नए आए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो लोग इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको शेयर कर दीजिएगा। और इसी तरह बढ़िया जॉब से रिगार्डिंग, कैरियर के रिगार्डिंग खबर के साथ बने रहे मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।